एक्चुअली आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया है एजुकेशनल फेयर में। और भाई ये बता रहे हैं कि बाहर जाओ, विदेश जाओ, आइल्स करो वाइल्स करो, यहाँ इसके पाइल्स हुए थे वो तो सही हुए नहीं, तेरे हुए होंगे। अबे सुन ले, ये आइल्स वाइल्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, सुन ले, नॉलेज मिलेगी। खा क्या रही है, हैं? खा ले तू, खा ले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार देखो, आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है क्योंकि आज हम लोग एक सेमिनार अटेंड करने आ रखे हैं और ये हमारे खटीमा क्षेत्र में शायद पहली बार ऐसा कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट्स। मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत शॉर्ट में कि मतलब ये क्या करते हैं और ये क्या है। तो यार देखो, जैसे होता है ना कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं, तो उस चीज़ की यहाँ पे सारी काउंसलिंग होगी। और यार देखो, अगर तुम्हें अपना इंडिया छोड़ के, भारत छोड़ के कहीं और विदेश विदेश में जाके कुछ काम धंधा करना है और बाहर निकलना है और वहाँ पढ़ना लिखना है, तो उसके लिए देखो यार तुम्हें बताया कि देखो आइल्स कितना ज़रूरी है, ठीक है? आइल्स बोला है, ठीक है, आइल्स मत समझ लेना। तो अभी हम लोग तो अंदर घुस रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, हम पहले आ गए हैं, तो पीछे का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो यार देखो, ये रहा अपना वेन्यू, ये ताज पैलेस है। तो ये है देखो यार अंदर का कुछ अभी सीन, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है तो थोड़े बहुत लोग यहाँ पे आ रखे हैं और ये अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है अंदर वीडियो के माध्यम से भी। ओए, तेरे को मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ आता पता भी है? मैं सही बता रहा हूँ, हैं? हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इसे कुछ नहीं पता है। ये इसको लग रहा है कि यहाँ पे चल रही है शादी, ठीक है? वहाँ भाई देखो वो खाना पीना लग रखा है, ठीक है? ये बस खाने खाने के लिए यहाँ पे आ रखी है। रुक जा, आ रहे हैं, रुक जाओ, दूल्हा दुल्हन भी आ रहे हैं अभी। अच्छा। तो यहाँ पे सब बैठ रखे हैं आराम से, दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आइल्स? अब तेरे को भी तो हुई थी एक बार, गजब बेइज्जती है। हाँ। तो ये एक मैडम है जो काफी देर से यहाँ पे घूम रही हैं, तो इनके पास चलते हैं और आज के कार्यक्रम का पूरा सीन समझ के आते हैं, जिससे मेरे को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोगों को भी। हाय मैम। तो हमको तो मतलब ऐसा नॉर्मली मालूम होता है कि जैसे आइल्स एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, तो और ये मतलब जो पूरा अंदर का कार्यक्रम है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक शॉर्ट में तो सही रहेगा। एजुकेशनल फेयर में जो कि 13 ड्रीम्स ने ऑर्गेनाइज करा है बच्चों के लिए, ताकि उनके आईएलटीएस और पीटी जो भी उनके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, उनके जो भी अब्रॉड जाने के ड्रीम्स हैं तो वो 13 ड्रीम्स के थ्रू हम पूरे कर पाएं। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को, जो भी मतलब इस बारे में जानने के लिए इच्छुक है उनको यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आप यहाँ आइए और फिर अपने डाउट्स 13 ड्रीम्स के साथ क्लियर करिए। तो जैसे जैसे ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा था, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे हम अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे खाने पीने के काउंटर पे, जो काम हमें सबसे ज्यादा करने में मजा आता है। भाई हम कभी भी खा सकते हैं, जब चाहे तब बुला लो। तो अभी तो हम फटाक से खा लेते हैं क्योंकि देखो यार भूख बहुत जोर से लग रही थी। तो भाई ये तो बस यहाँ पे खाने के लिए आई थी मेरे को लग रहा है। अबे सुन ले, ये आइल्स वाइल्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, सुन ले, नॉलेज मिलेगी। खा क्या रही है, हैं? खा ले तू, खा ले। तुम अभी सोच रहे होगे कि यहाँ पे इतने सारे लड़के क्यों बैठ रखे हैं। नहीं, ये लोग शादी का रिश्ता देखने नहीं आ रखे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी। रुको यार, ऐसे फील नहीं आ रहा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने दो। हाँ, तो यहाँ पे काफी सारे काउंटर्स थे जिनमें काउंसलिंग हो रही थी और वो भी एकदम फ्री में हो रही थी। जैसे मेरी बुद्धि कभी कभी समझ नहीं आता कि ये करूँ या वो करूँ, मतलब थोड़ी सी मोटी बुद्धि है, ठीक है,
तो मेरे जैसे लोग के लिए सही है भाई, जो अपना रास्ता भटक जाते हैं उनको ट्रैक पे लाने के लिए भाई थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ी एक सही गाइडेंस चाहिए होती है। तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, ये जो मेरे को काफ़ी सही लगा इनका सिस्टम ये वाला। पहले एक बार मेरे को लगा कि मेरे को भी शायद काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, फिर मेरे को याद आया कि अरे यार मैं तो पहले ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को क्या जरूरत है काउंसलिंग वाउंसलिंग की। चल बोल, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बोल तो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो बता। क्योंकि सारा कार्यक्रम हो गया है। हाँ, अंदर जो भी जितना सेशन था होना था हो गया, जितना देखो हम लोगों को समझना था हम समझ गए। इसके दिमाग में से भरा रहता खाना, ये तो भाई खाने पे ही पड़ी हुई थी। ज्यादा मत बोल, ठीक है। तो आज का व्लॉग देखो यार यहीं पे एंड करते हैं, और डकार मारने का मजा ही कुछ और है। और देखो भाई ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली एक बात है कि देखो व्हाट टू डू आफ्टर 12th भाई। लेकिन ये इनने मेरे को क्यों बुलाया था, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं तो 10वीं फेल हूं। अभी मेरा सबसे पहला फॉरेन विजिट, तो मेरा सपना ये है कि भाई मैं नेपाल ही चले जाऊं घूमने। अभी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तो बहुत दूर की बात है। हाँ, लेकिन अगर आपका ड्रीम हो तो आप लोग चले जाना। आगे चल, आगे चल। पता है काम की बात है भाई। 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट्स भाई एकदम मतलब जेन्युइन है वैसे तो। और हम आए, हमने पकौड़े चाय समोसा खाया, हमें बड़ा मजा आया। तो इसी बात पे आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आइल्स करो।